हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक एंड सुन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप कैसे इस तरह का अमेजिंग लोगो बना सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा एक यूट्यूब चैनल के लिए लोगो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्यूब चैनल में एक लोगो होता है तो यूट्यूब चैनल देखने में प्रोफेशनल लगता है और उसके साथ यूट्यूब चैनल का ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किए हो और आपको यूट्यूब चैनल लोगो बनाने का आइडिया नहीं आ रहा है तो आप सही वीडियो में आए हो। आज मैं इस वीडियो में आपको इस तरह का लोगो बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप अपना YouTube चैनल के लिए इस तरह का लोगो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो दोस्तों, इस तरह का लोगो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है पिक्सेल लैब। आपको ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद पिक्सेल लैब को ओपन कर लीजिए। पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू टेक्स्ट मिलेगा, आप यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाके कलर में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फर्स्ट वाला लाइन को एकदम लेफ्ट में कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फर्स्ट वाला लाइन को एकदम लेफ्ट में कर दीजिए और सेकेंड वाला लाइन को एकदम राइट से थोड़ा आगे कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद फिर से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का ग्रे हो जाएगा। उसके बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद इस प्लस आइकन पर क्लिक करके शेप्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ऐड हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर क्लिक करके सर्कल ले लीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सेकेंड लाइन को थोड़ा लेफ्ट में कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके शैडो ऑप्शन में आ जाइए। उसके बाद इनेबल करके ब्लर रेडियस को 25 कर दीजिए और ऑफसेट एक्स को 50 कर दीजिए। उसके बाद इस प्लस पर क्लिक कीजिए। प्लस पर क्लिक करने के बाद इस थर्ड लाइन को तब तक लेफ्ट में काटते रहे जब तक यहाँ पर 150 लिखा ना आए। उसके बाद ओके कर दीजिए। इससे शैडो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद हमें इसका एक कॉपी बनाना है। कॉपी बनाने के लिए ऊपर स्क्रॉल करके कॉपी पर क्लिक कीजिए। कॉपी पर क्लिक करने के बाद इसका एक कॉपी बन जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। इससे ये सर्कल मिडिल में सेट हो जाएगा। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करके शैडो ऑप्शन में आ जाइए। उसके बाद ऑफसेट एक्स को -50 कर दीजिए। उसके बाद इस प्लस पर क्लिक करके सेकेंड लाइन को राइट से थोड़ा आगे कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद हमें इनर शैडो पर आना है। इनर शैडो पर क्लिक करने के बाद इनेबल करके ब्लर रेडियस को 25 कर दीजिए और ऑफसेट एक्स को 50 कर दीजिए। उसके बाद पहले से यहाँ पर ब्लैक ट्रांसपेरेंट कलर रहेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद इस प्लस पर क्लिक करके ड्रॉ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्मूथनेस को 100% कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके फील इनसाइड और नियोन इफेक्ट को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर जैसा ड्रॉ कर रहा हूँ आपको वैसा ही ड्रॉ करना होगा। एक तरह का रिफ्लेक्शन देने के लिए ये ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करने के बाद कलर में आ जाइए। उसके बाद इनेबल करके इस प्लस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद व्हाइट कलर ले लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद इस तरह से छोटा करके लेफ्ट में सेट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करके कॉपी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसे नीचे करके छोटा करके यहाँ पर सेट कर लीजिए। उसके बाद फिर से प्लस पर क्लिक करके ड्रॉ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से स्मूथनेस को 100% कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद फील इनसाइड और नियोन इफेक्ट को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद कलर पर क्लिक कीजिए। इसको इनेबल करने के बाद व्हाइट कलर ले लीजिए। उसके बाद इसे इस तरह से छोटा और पतला करके राइट साइड में सेट कर लीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना होगा। आप अपना चैनल नेम या फिर आप जिस नाम से लोगो बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है।
उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप करके आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी लिख लिया हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद डन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद इस ए पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके फॉन्ट में जाके माई फॉन्ट्स में आ जाइए। उसके बाद इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपको ये फॉन्ट पिक्सेल लैम में नहीं मिलेगा, आपको ये फॉन्ट डाउनलोड करना होगा। आपको लास्ट में दिखा दूंगा आप कैसे इस फॉन्ट को डाउनलोड करके पिक्सेल लैब में इंस्टॉल कर सकते हो। पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करके रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डन कर दीजिए। इससे आपका फॉन्ट मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद फॉन्ट को बड़ा कर लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट साइड से थोड़ा काट हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए आप पैडिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद लेफ्ट और राइट पैडिंग को बढ़ा लीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। आप दोस्तों हमें इस टेक्स्ट को कलर देना होगा, तो दोस्तों इसको कलर देने के लिए आप कलर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना पसंद का एक कलर ले लीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद शैडो ऑप्शन में आ जाइए। उसके बाद इनेबल करके ऑपेसिटी को 30% कर दीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली हमारा वाटर ड्रॉप लोगो रेडी हो चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पर ग्रे कलर का लोगो बनाया हूँ, आप चाहे तो अलग अलग कलर का लोगो बना सकते हो। कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके कलर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना पसंद का एक कलर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके करके डन कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। अब दोस्तों हमें लोगो का कलर चेंज करना होगा। लोगो का कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एडिट में जाके अपना बैकग्राउंड जैसा कलर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके शैडो ऑप्शन में आ जाइए। उसके बाद अपना बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद आपका लोगो रेडी हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा लोगो ब्लू कलर में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप चाहे तो इस तरह का दूसरे कलर में भी आप लोगो बना सकते हो। अब दोस्तों हम इस लोगो को सेव कर लेते हैं। इस लोगो को सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सेव एज इमेजेस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्वालिटी अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पर क्लिक कीजिए। सेव टू गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपका लोगो सेव हो जाएगा। आप दोस्तों बात करते हैं आप कैसे इस फॉन्ट को पिक्सेल लैम में इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पर इस फॉन्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सबसे पहले इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिए। फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद पिक्सेल लैब ऐप ओपन कर लीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके माय फॉन्ट्स में आ जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पर टी करके एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में आ जाइए। डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपको फैकॉन 4pk4.ttf करके एक फॉन्ट मिलेगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऐड सिलेक्टेड पर क्लिक कीजिए। ऐड सिलेक्टेड पर क्लिक करने के बाद आपका फॉन्ट ऐड हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कुछ पूछना है तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।